क्या है हिंदुस्तान वाले ये बताना चाहता हूँ कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राण वालों का ये परिवेश जीत जाएगा। अरे युद्ध जीतने की आदत रही हमारी, हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाए तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राण वालों का ये परिवेश जीत जाएगा। मेरी चौथी पंक्ति में अगर मैं कुछ कमिटमेंट इस देश का पढ़ दूं तो फिर पूरे सदन के हाथ आकाश में उठकर तालियों की गड़गड़ाहट करके इस बात का स्वागत कर लें कि हम कोरोना महामारी के बाद में यहाँ पर खड़े होकर ये बोलने का अधिकार तो रखते हैं कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राण वालों का ये परिवेश जीत जाएगा। विश्व बंधुत्व के तत्व का जो सत्व रखा गया, सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा, सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा। तो संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। और हर युद्ध जीतने की आदत रही हमारी, इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा। इस बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाप ऐसी राह छोड़ देते हैं। हम क्या है हिंदुस्तान वाले ये बताना चाहता हूँ कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाप ऐसी राह छोड़ देते हैं। ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं, काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। और हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाए तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। तो धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। बहुत अच्छे। चौथी पंक्ति में एक चेहरा सामने आएगा, उस चेहरे का स्वागत कर लीजिएगा। आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा अभी कि हम किसी के नहीं हैं, हम उनके हैं जो हमारे सामने बैठे हैं, हम इस जनता के हैं। तब चार पंक्तियां अगर पहुंच जाए तो फिर मुझे बताइएगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। और नेताओं का अभिनय देखकर अभिनेता अपनी कला पर शर्माने लग गया है। नेताओं का अभिनय, आभार आपका। लेकिन चौथी पंक्ति में तालियां पंजाब तक पहुंचेगी। मैं ऐसा समझता हूं कि महानदी से प्रारंभ होकर शायद पंजाब की उन पांचों नदियों तक पहुंचे या किसी शहर विशेष में पहुंचे। मैं सुनाता हूँ कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। नेताओं का अभिनय देख कर अभिनेता अपनी कला पर शर्माने लग गया है। तो गुरु गुरु बोल कर के शुरू हुआ था यार, अब राजनीति आजमाने लग गया है, अब राजनीति आजमाने लग गया है। और ताली ठोकने वाले ने कैसी ताल ठोकी है कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है। ताली तालियां कम रह गई, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर मैं राजनांदगांव के तालियां कि दाम के बिना कोई भी काम नहीं हो सकेगा, राजनेता काम वाली बाई होते जा रहे हैं। तालियां उठनी चाहिए थी आपकी, बड़ी अच्छी पंक्ति थी। चौथी पंक्ति में मैं लोकतांत्रिक बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ। तो राजनांदगांव उन पंक्तियों को अगर सराहेगा, मैं पहली बार ये पढ़ रहा हूँ, आपका आशीर्वाद मिल गया तो मैं सोचूंगा कि इस छंद को हर रात पढ़ा जाना चाहिए। सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि दाम के बिना कोई भी काम नहीं हो सकेगा, राजनेता काम वाली बाई होते जा रहे। बैठ कर खाइएगा चाहे लेट जाइएगा, नेताजी ढाबे की चारपाई होते जा रहे। बैठ कर खाइएगा चाहे लेट जाइएगा, नेताजी ढाबे की चारपाई होते जा रहे, नेताजी ढाबे की चारपाई होते जा रहे। कल तक आप जनता को खुदा मानते थे,
अब बस खुद के खुदाई होते जा रहे हैं। तो कभी भाजपाई कांग्रेसी होते जा रहे हैं, कभी कांग्रेसी भाजपाई होते जा रहे हैं, कभी भाजपाई कांग्रेसी होते जा रहे हैं, कभी कांग्रेसी भाजपाई होते जा रहे हैं।